सबसे अव्वल अपने अकायद जहान खुदावंदी नूर मौलाए जमीन जमान मालिक के कायनात नूर मौलाना शाकिर मलसनी हाजिर इमाम के पाक नाम पर इश्क और मोहब्बत के साथ सलवार पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। मोमिनीन किराम, आज यौम अली का मुबारक मौका है। दीन और मजहब में जितने भी खुसूसी मौके एक मोमिन की जिंदगी में आते हैं, उस मौके में उसके लिए जो सबक पोशीदा है, जो सबक छुपा हुआ है, जो लेसन उसके लिए मौजूद है, उस लेसन से वो फायदा उठा ले। सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में मौला अली की शान के बारे में चंद बातें देख लें और उसके बाद देखें कि एक मोमिन की जिंदगी में यौम अली का मकसद क्या है। यौम अली वो मुबारक दिन जिस दिन हजरत मौला मुर्तजा अली सलवातुल्लाह अलैही फिजिकली तौर पर दुनिया में पैदा हुए। आप सब जानते हैं कि जब आखिरी हज से वापसी हुई तो हुजूर अकरम सल्लम ने तमाम लोगों को गदीर खुम के मैदान पर जमा किया, लोगों से पूछा कि ए मोमिनीन, क्या तुम्हारे मालों पर, तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा मेरा हक नहीं है? लोगों ने फरमाया, बेशक ए खुदा के रसूल, हमसे ज्यादा हमारे मालों और जानों पर तेरा हक है। तीन मर्तबा यही सवाल दोहराया। तीन मर्तबा जब मोमिनीन ने जवाब में यही कहा कि बेशक आपका हक है, तब हजरत मोहम्मद ने मौला अली का हाथ बुलंद किया और फरमाया कि मन कुंतु मौलाहू फअलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। यानी अगर तुमने मुझे अपनी जान और अपने मालों का हकदार बनाया तो जिस मकसद से, जिस मानी से मैं तुम्हारा मौला हूं, उसी मानी से अली तुम्हारा मौला। इस हदीस के इरशाद के बाद हुजूर अकरम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और रसूल ने फरमाया, आसमान की तरफ देखकर एक दुआ मांगी। वो दुआ यह है कि अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हूँ वादी मन गादा हूँ वक्सुल मन खजला हूँ फंसुर मन नसरा हूँ, कि ए खुदा, जो अली से दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रखना, जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रखना, जो अली से मुंह मोड़ ले तू भी उससे अपना मुंह मोड़ लेना, और जो अली का साथ दे, जो अली की मदद करे तू भी उसकी मदद करना। इस दुआ के बाद एक और छोटा सा कौल जो रसूल ने फरमाया और जो काबिले गौर है, जो सोचने की बात है, कि रसूल ने फरमाया, इस दुआ के बाद रसूल ने फरमाया, वद्रिल हक्का माहू है सुदार, और हक को उस तरफ मोड़ देना जिस तरफ को अली जाए। ये एक बहुत अहम कौल है, सोचने का मकाम है। रसूल ने ये दुआ नहीं की कि ए खुदा अली को उस तरफ मोड़ देना जिस तरफ को हक जाए, बल्कि ये दुआ की कि ए खुदा हक को उस तरफ मोड़ देना जिस तरफ को अली जाए। आज दुनिया के लोग फख्र करते हैं, हमारा लीडर हक पर है कहते हैं, हमारा लीडर हक के पीछे चलता है, हम हक के रास्ते पर हैं। लेकिन रसूल की दुआ, सबसे पहले अगर दुनिया में किसी की दुआ कबूल होती होगी तो नबी और इमाम की दुआ कबूल होती है। जब रसूल ने यह फरमाया कि ए खुदा हक को अली के पीछे पीछे कर देना, यानी जिस तरफ को अली जाए हक को उधर भेज देना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हक अली का गुलाम, अली जो कहे वो हक, अली जो करे वो हक, अली ने जो बातें बताई वो हक, अली की तालीमात हक, अली के फरमान हक। वद्रिल हक का माहू है सुदार, के ए खुदा हक को उस तरफ मोड़ देना जिस तरफ को अली जाए। ये दुआ नहीं मांगी कि अली को उधर मोड़ना जिधर हक जाए, इसलिए कि हक अली का गुलाम है। अली जो करता है, अली जो कहता है, वही हक का मायार है, और दुनिया में हिदायत और गुमराही का मायार खुद अली है, अली की जात। मोमिनीन किराम, इमामत के इस दर्जे की शान देखने के बाद ये अर्ज करना चाहती हूं कि जब अली का नाम आता है, जब अली का तसव्वुर आता है, तो अली 60 साल जिंदगी में रहने वाला एक आम इंसान नहीं था।
हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने 1945 की मिशन कॉन्फ्रेंस में कहा कि अली से मुराद वो इंसान नहीं है जो इस दुनिया में 60 साल जिंदगी गुजार कर गया, बल्कि अली से मुराद दाइमी अली है, इटर्नल अली है। क्योंकि अली का जिस्म तो पैदा हुआ था लेकिन अली की रूह पैदा नहीं हुई थी, अली का नूर पैदा नहीं हुआ था। इसलिए कि रूह और नूर का ना कोई जन्म दिन हो सकता है और ना वो फना हो सकता है, ना वो पैदा होता है ना वो मरता है, वो अजल से मौजूद है और अबद तक रहेगा। इसीलिए मौलाए रूम फरमाते हैं, तासूरत पैवंद जहां बूद अली बूद, ता नक्श जमी बूद जमा बूद अली बूद। फरमाते हैं कि अभी कायनात की कोई शक्ल और सूरत भी नहीं थी, अभी तो जमीन और आसमान का कोई खाका भी नहीं था, उस वक्त भी अली था। जब कायनात का कोई निशान नहीं था उस वक्त भी अली था। अगर आज अली का वारिस, अली का जानशीन इमाम हय्यो हाजिर की सूरत में हमारे साथ मौजूद है तो वो भी अली का वो अजीम शान नूरानी मर्तबा उसके साथ, वही रूह वही नूर जो अली के साथ मौजूद था वो जमाने के इमाम के साथ मौजूद। क्योंकि वो नूर पैदा नहीं हुआ, वो नूर फना नहीं होगा, जिस्म पैदा होगा, जिस्म दुनिया के हिसाब से फना भी होगा, लेकिन नूर अजली है, वो इटर्नल है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मोमिनीन किराम, यौम अली के मौके पर अली की शख्सियत के बारे में बेशुमार बातें की जाती हैं, अली की शख्सियत के इतने पहलू हैं। मुश्किलात में मदद करने वाला था तो अली था, अगर कोई इल्मी मसला दरपेश हुआ, कोई उलझन की बात हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया तो अली उसको सॉल्व करता था। इस्लाम के शुरू के दिनों में देखें, रसूल के जमाने में और रसूल के बाद भी इस्लाम को जो मजबूत बाजू मदद करता था वो अली का था। यूं तो अली की शख्सियत के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के सिर्फ एक पहलू से चंद बातें अगर अर्ज की जाएं। कहते हैं कि रसूल के जमाने में और रसूल के जमाने के बाद जो भी मसला आता था रसूल के दरबार में या उमर के दरबार में, तो उस मसले को हल करने के लिए अली को बुलाया जाता। इसलिए कि मौला अली की जो फरासत थी, जो समझ थी, उनका जो नूरानी रुतबा था, उसकी वजह से वो मसाइल को हल किया करते थे। इसीलिए उमर ने कहा था कि अली जैसा बेटा न किसी माँ ने अब तक पैदा किया है और न आने वाले सालों में कोई माँ ऐसा बेटा पैदा कर सकती। ये उमर की बात है। कहते हैं कि उमर के दरबार में एक लड़का आया, नौजवान लड़का था। उसने कहा कि ए मोमिनीन के सरदार, मेरे साथ इंसाफ करें। पूछा गया कि आपको क्या मसला है, तो कहा कि मेरी माँ जो एक बहुत अमीर औरत है, जिसने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया, जिसने 2 सालों तक मुझे अपना दूध पिलाया, आज वो मुझसे कहती है कि तू मेरा बेटा नहीं है। माँ को दरबार में बुलाया गया और पूछा गया कि क्या माजरा है, तो माँ ने कहा ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी दौलत पर कब्जा करने के लिए अपने आप को मेरा बेटा साबित करना चाहता है, ए मोमिनीन के सरदार मेरे साथ भी इंसाफ करें। उस औरत से पूछा गया तेरे साथ कोई गवाह है, कोई विटनेस करने वाला है, तो उस औरत ने जो अपने साथ 4 भाइयों को लाई थी और 40 दूसरे आदमियों को लाई थी, कहा कि ये 44 लोग 44 पीपल ये मेरे गवाह हैं। उन सब से पूछा गया क्या ये औरत सही कहती है, सब ने कहा कि औरत सही कहती है, लड़का झूठा है। उमर ने लड़के को जिंदान की तरफ यानी कैद खाने की तरफ भेज दिया। वो लड़का रास्ते में फरियाद करता रहा। वहां से मौला मुर्तजा अली का गुजर होता है। मौला अली से वो लड़का अपनी फरियाद बयान करता है तो मौला अली ने फरमाया इस लड़के को दोबारा दरबार में ले जाओ। दरबार में मौला अली पहुंचे, वो लड़का भी पहुंचा, तो उमर से मौला अली ने पूछा अगर आपको एतराज न हो तो इस मामले का फैसला मैं करूं, तो उमर ने फरमाया बेशक आपको इख्तियार है, इसका फैसला आप करें।
मौला अली ने लड़के की बात भी सुनी, औरत की बात भी सुनी और फिर फरमाया, क्या तुम दोनों मुझको अपना वाली मुकरर करते हो, मुझको अपना आका बनाते हो? मैं जो बात कहूंगा, जो फैसला करूंगा, वो तुमको मंजूर होगा? दोनों ने कहा कि बेशक आपका फैसला हमें मंजूर है। तो मौला मुर्तजा अली ने फरमाया कि ए औरत, ये तेरा बेटा नहीं है? औरत ने कहा कि नहीं है। लड़के से पूछा, क्या ये तेरी माँ है? लड़के ने कहा, हाँ ये मेरी माँ है। तो मौला अली ने फरमाया, तुम्हारे साथ गवाह नहीं है, औरत के साथ गवाह है। चलो अगर इसकी बात सही है तो मैं एक ऐसा फैसला करता हूँ जिससे तुम्हारा भी मसला हल हो जाएगा और इस बेवा औरत का मसला भी हल हो जाएगा। और वो फैसला ये है कि मैं तुम दोनों की आपस में शादी कर देता हूँ। कहते हैं कि ये खबर सुनते ही वो 44 आदमी दरबार से एक कदम पीछे हट गए और वो औरत बे इख्तियार जज्बात में आकर रोने लगी और कहा कि ए मोमिनीन के सरदार, मुझे माफ करें, ये मेरा ही बेटा है, मगर अपने भाइयों में दौलत की जो लालच आ गई थी उसकी वजह से आज मैंने दरबार में ऐसा बयान दिया है, मुझे अपना बेटा ले जाने की इजाजत। गवाहों को जो सजा देनी थी वो मिली और उस वक्त उमर कहते हैं अपने तख्त से खड़ा हो गया और कहा, लौला अलीयुन लहलक उमर, कि अगर अली ना होता तो आज उमर हलाक हो जाता। एक ऐसा गलत फैसला कर बैठता जिसका जुर्माना उसकी गर्दन पर होता। तो मौला अली ने तारीख इस्लाम के अहम मौके पर न सिर्फ खुलफा की मदद की बल्कि ऐसे ऐसे मसाइल का हल बताया। एक और केस उमर के दरबार में आया, उमर परेशान हो गया, फैसला नहीं कर सका। मौला मुर्तजा अली को बुलाया, मौला अली तशरीफ लाए तो पूछा कि क्या मसला है। एक काला आदमी और एक गोरा आदमी दरबार में आ गए। गोरे आदमी ने कहा कि मैं एक अमीर ताजिर का बेटा हूँ, ये काला आदमी मेरा गुलाम था, लेकिन अब ये दावा करता है कि उस अमीर आदमी का बेटा मैं हूँ और तुम उसके गुलाम हो। वो मुझको गुलाम करार देकर मेरी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। वो अमीर आदमी जो एक ताजिर था, उसका बेटा शक्ल और सूरत में कुछ काला था, बादशाह का बेटा या ताजिर का बेटा नहीं लगता था, जबकि उसका गुलाम बहुत खूबसूरत था। उस गुलाम ने चालाकी से दरबार में आकर ये दावा किया कि असल बेटा मैं हूँ, मेरी शक्ल और सूरत चाल ढाल एक ताजिर के बेटे जैसी है, ये मेरा गुलाम था और ये मेरे बाप की दौलत पर कब्जा करना चाहता है। दोनों से कहा गया, अपने अपने गवाह लाओ। घर में चार और गुलाम थे, दो को उस गोरे आदमी ने रिश्वत दी, दो उसकी गवाही के लिए आ गए, जबकि दूसरे दो काले लड़के की गवाही के लिए आ गए। अब उमर परेशान, दो की गवाही यहाँ है, दो की गवाही यहाँ है, ये भी दावा करता है कि ताजिर का बेटा, वो भी दावा करता है कि ताजिर का बेटा, फैसला किसके हक में किया जाए। मौला अली को बुलाया गया, मौला ने फरमाया, मेरा जो भी फैसला है वो तुमको मंजूर है? दोनों ने कहा कि बेशक मंजूर है। कहा कि दोनों को मस्जिद की खिड़कियों में बिठा दो, उस वक्त खिड़कियों में शायद शीशे नहीं थे, खिड़कियों में इस तरह बिठाओ कि दोनों का सर बाहर लटक रहा हो। दोनों को खिड़कियों में ऐसे बिठाया कि दोनों के सर बाहर की तरफ लटक रहे थे। मौला अली ने कंबर के हाथ में तलवार दी और दूर खड़े होकर कंबर से कहा, ए कंबर, गुलाम का सर उड़ा दो। किसी की तरफ इशारा नहीं किया, सिर्फ ये कहा, ए कंबर, गुलाम का सर उड़ा दो। जो गुलाम था उसने डर के मारे अपना सर खिड़की से खींच लिया और जो ताजिर का असल बेटा था वो वैसे का वैसा बैठा रहा। उमर को कहा कि देखो, ये काला लड़का ताजिर का बेटा है जो ऐसे ही बैठा है, क्योंकि उसका नाम गुलाम नहीं था, उसकी हैसियत गुलाम नहीं थी, इसलिए गुलाम के नाम के साथ वो नहीं डरा, लेकिन जो सचमुच का गुलाम था उसने अपना सर अंदर खींच लिया, क्योंकि वो हमेशा गुलाम के नाम से पुकारा गया। तो इस पर अली ने, उमर ने फिर कहा कि ए अली, अगर तुम ना होते तो उमर हलाक हो जाता, इसलिए कि उमर ने सोचा था कि शायद वो लड़का ज्यादा हक पर है। तो इस तरह मोमिनीन किराम, मौला अली की शख्सियत के बेशुमार पहलुओं में से ये चंद बातें अर्ज करने का मतलब ये है कि अली ने जहां दुनियाए इस्लाम में बहादुरी के बेशुमार कारनामे अंजाम दिए, वहां पर तारीख इस्लाम के इल्मी मसाइल, दूसरे समाजी यानी सोशल प्रॉब्लम्स बेशुमार मसाइल हल किए। आज इमाम हय्यो हाजिर हमारे सामने
उसी अली की मिसाल लिए मौजूद है। ये इमाम का जिस्म है जो लोगों को गुमराह कर देता है। वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि इंसान जैसा एक इंसान, नूर का एक आलम, नूर की एक दुनिया अपने साथ समोए हुए। हजरत इमाम अब्दुस्सलाम सल्वातुल्लाह अलैहि का एक फारसी कसीदा है। उस कसीदे में एक जगह इमाम फरमाते हैं, मिसाले मन बसी बीनी वली अज राह कज बीनी, अगर तू रास्त बीन बाशी नबीनी मसलो हम तायम। फरमाते हैं कि ए लोगो, मुझ जैसे कई नजर आएंगे, इंसान की तरह इंसान देखना चाहोगे तो मेरी तरह चलते फिरते कई लोग तुम्हें नजर आएंगे, लेकिन अगर तू सही निगाह से देख, कजबीनी कहते हैं टेढ़ी निगाह से देखना, नुक्स वाली आंख से देखना, ए इंसान अगर तू अपने आंख की कजबीनी को छोड़ दे और सच्ची निगाह से देख तो तुझको अली और औलाद अली जैसा कोई नजर नहीं आएगा। ये इमाम की नूरानी और रूहानी मर्तबत है। लेकिन मोमिनीन किराम, इन तमाम बातों को बयान करने का मकसद क्या? इन तमाम बातों को बयान करने का मकसद ये कि जिसका बाप रूहानी बादशाह हो, जिसका इमाम रूहानी दुनियाओं का सरदार हो, उसकी औलाद के लिए उसने तरक्की के कितने मौके रखे हैं। आज इमाम की जिस्मानी पैदाइश का दिन है। इमाम के जिस्म से नजदीक रहने वाले दुनिया में बहुत कम मोमिनीन हैं। सबको ये मौका नहीं मिल सकता कि इमाम के जिस्म के करीब रह सकें और फायदा उठा सकें। लेकिन मायूसी की कोई बात नहीं, इमाम के नूर से फायदा उठाना सबके लिए मुमकिन है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। हम कहते हैं सूरज तुलू हो गया, सूरज गुरूब हो गया, द सन राइजेस एंड द सन सेट्स। कोई सूरज के नजदीक जाकर देखे, क्या सूरज तुलू होता है, क्या सूरज गुरूब होता है? सूरज के नजदीक जाकर देखे तो सूरज ना तो तुलू होता है ना गुरूब होता है। वहां पर ना सुबह है ना शाम है, बस दिन ही दिन है। इसलिए कि सूरज नहीं घूमता, लेकिन हमारी जमीन घूमती है। जब हमारी जमीन अपना मुंह सूरज की तरफ करती है तो हम कहते हैं सूरज तुलू हो गया, और जब हमारी जमीन अपना मुंह सूरज से मोर लेती है तो हम कहते हैं सूरज गुरूब हो गया। इसी तरह इमाम का नूर अपनी असल में न तुलू होता है न गुरूब होता है, न पैदा होता है न फना होता है। लेकिन जो मोमिन अपने दिल की जमीन का मुंह अपने इमाम की तरफ कर ले, जो मोमिन अपनी तवज्जो अपने इमाम की तरफ कर ले, उस मोमिन के दिल पर इमाम के नूर का सूरज तुलू हो जाता है। मिसाल का मतलब यह है कि नूर जो हकीकत में तुलू नहीं होता, जिस तरह सूरज न तुलू होता है न गुरूब होता है, जमीन के रेलेवेंट की वजह से हम कहते हैं, जमीन के साथ उसका एक रिश्ता है, इसलिए हम कहते हैं जब जमीन मुर गई तो सूरज तुलू हो गया, इसलिए कि जमीन ने अपना मुंह सूरज की तरफ किया। जो मोमिन अपने दिल की जमीन का मुंह इमाम जमान की तरफ करेगा, इमाम जमान का नूर उसके दिल की जमीन पर तुलू हो जाता है। जब इमाम का नूर दिल की जमीन पर तुलू हो तो कैसे पता चलेगा? दिल के अंदर सुकून होगा, दुनिया के मसाइल को निमटने के लिए ताकत आएगी, हौसला आएगा, और दिल के अंदर एक राहत रहेगी, जीने का मजा आएगा, मूड अच्छा रहेगा, गुस्सा कम से कम आएगा, क्योंकि ये अली के नूर की बरकत है जो उसकी पूरी जिंदगी, उसकी दुनिया की जिंदगी और उसकी रूहानी जिंदगी पर असर अंदाज होता है। इसीलिए तमाम मामलात में अली से मदद मांगी गई थी। आज भी हम वो मशहूर तस्बीह पढ़ते हैं, नाद अली अन मजहर अल अजाइब तजिद हु औन लका फिन नवाइब कुल्लु हम मिन मगम मिन सयंज अली बिविलायतिका या अली या अली। अली को पुकारो, अली को पुकारो, तुम उसको अपनी मदद के लिए मौजूद पाओगे। तुम्हारे तमाम गम, तुम्हारे तमाम हम यानी तमाम मुश्किलात अली को पुकारने से दूर हो जाएंगे। ए अली अपनी इमामत के तुफैल से, ए अली अपनी इमामत के तुफैल से। जमाने का अली आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। और आखिर में सिर्फ इतना कहूंगी कि आज दुनिया की सारी अकवाम को देख लीजिए। आज ईसाइयों से पूछिए कि ए लोगो, तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे अच्छा जमाना कौन सा था? तो हसरत करते हैं,
माजी की तरफ मुड़ कर देखते हैं, तारीख का हवाला देते हैं और कहते हैं जब ईसा जिंदा था वो जमाना बेहतरीन था, अब ईसा जैसा जमाना कहाँ है। यहूदी से पूछें वो भी पीछे मुड़ता है, हसरत करता है, कहता है जब मूसा जिंदा था तो वो दुनिया का बेहतरीन जमाना था, अब मूसा जैसा जमाना किधर है। किसी हिंदू को पूछिए, बुद्ध को पूछिए, तमाम लोग माजी की तरफ देखते हैं, हसरत करते हैं, आह बढ़ते हैं, कहते हैं दुनिया का बेहतरीन जमाना वो था जब हमारा खलीफा जिंदा था, जब हमारा इमाम जाहिर था, जब हमारा पैगंबर मौजूद था। अफसोस अब वो जमाना कहाँ है। लेकिन एक इस्माइली मुरीद को पूछिए, एक मौला के आशिक को पूछिए कि ए इंसान तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन जमाना कौन सा है, तो वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए दुनिया का हर जमाना बेहतरीन है, क्योंकि उसमें अली का नूर नबी की आल दुनिया में मेरे दरमियान मौजूद है, उसके नूर से फायदा उठाना मेरे लिए मुमकिन है। एक इस्माइली माजी की तरफ नहीं देखता, हसरत नहीं करता, आहें नहीं बढ़ता, उसके लिए जमाने का अली हय्यो हाजिर हमेशा मौजूद है। इंशाल्लाह यौम अली की बरकत से अपने दिल में इश्क और गिरियाउजारी के साथ इमाम के नूर के तुलू करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो मौला करीम हम पे राजी होंगे। आखिर में मौला की बारगाह में दुआ है, या नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम जमात की कुल मुश्किलात आसान कर, या मौला जमात के कुल गुनाहों को मुआफ़ फरमा, या मौला जमात को दीन की हकीकी समझ दे, या मौला जल्द आकर अपना जाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब फरमा। हमारी अर्ज विनती गिरियाउजारी अपने हुजूर पुनूर में कबूल फरमा। गत जमात के है जिंदा सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।